ओए क्या वाइन शॉप और गर्लफ्रेंड के इंतजार में एक घंटे तक खड़े रह सकते हो? सिग्नल पे एक मिनट रुका जाता, ज्यादा ही जल्दी है तो एम्बुलेंस में आ। टुडे इज अप्रेजल डे। अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन। अब वो क्या होता है? मतलब वैल्यूएशन है असेसमेंट में। क्या क्या एडजस्टमेंट? ए चूहे की तुम, अप्राइजल मतलब इज्जत उतारना। अप्राइजल का मतलब होता है इज्जत बढ़ाना। अरे रुक जाओ, गुस्सा नहीं करते बेटा, जवान खून है, ऐसे ही बदमाशी करते हैं। ऐसा क्या? आप अपने आदर्श अपने पास ही रखिए। अप्रेजल डे का मतलब होता है तुम्हारे डिलीवरी के ब्योरे को रिव्यू करने का दिन। ब्रांच में सिर्फ एक ही आदमी है जो भरोसे के लायक है और उसके होने की वजह से ये ब्रांच बची हुई है। तो इस महीने का टॉप परफॉर्मेंस इंसेंटिव गोज टू जगन द स्पीड किंग। सब चलते हैं मुझसे। पूरी 650 डिलीवरी और वो भी बिफोर टाइम पहुंचाई है इसने। कांग्रेचुलेशंस। हां थैंक यू सर। तो ये रहा तुम्हारा इंसेंटिव इस एनवेलप में, पूरे 2000 रुपए हैं। तो अगला है स्लो किंग अवार्ड। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर डिलीवरी थोड़ी भी लेट हो जाए तो वो फ्री देनी पड़ती है। जानता हूं कि आप सभी इस बिजनेस में बिल्कुल नए हैं, लेकिन लोकल बाइक रेस में सर भर दौड़ने वाले आप लोगों को मैंने क्यों काम पर रखा है? कंपटीशन। तुम लोग 30 मिनट की पिज्जा डिलीवरी को कस्टमर तक 15 मिनट में पहुंचा सकते हो, ऐसा मेरा भरोसा है। लेकिन हमारे पृथ्वी साहब जो हैं, कस्टमर का बाप मर के फिर जिंदा हो जाएगा, लेकिन इन जनाब का गर्मा गर्म पिज्जा कभी टाइम पर नहीं पहुंचेगा। तो क्या करे, अब कस्टमर को फ्री तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए इस महीने भी स्लो किंग अवार्ड गोज टू मिस्टर पृथ्वी। ये लो। रुक जाइए, नौ इसी प्राइस कैसे मिल सकता है? सर आप प्राइस बताइए ना, मैं उतना एनवेलप पे डाल दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, इसे कहां से पकड़ा, इसे पहले नौकरी से निकालिए सर। सर उछल उछल कर बात क्यों कर रहे हैं, पैरों में स्प्रिंग लगी है क्या? यू शट अप एंड गेट आउट। मुझे ही ट्रैफिक रूल सिखाता है, ट्रैफिक रूल। सर सर सर, इसने ऐसा क्या गलत कर दिया आपके साथ? क्या किया इसने? मुझ जैसे हायर ऑफिसर को जिसने अपनी जिंदगी ड्यूटी में निकाल दी, उसे लेफ्ट राइट सिखा रहा था सर। ऐसा नहीं है सर। आइए आपको फ्लैशबैक में ले चलूं। तो हुआ यूं, राइट में जाएगा ये, कितना रूल फॉलो करता है। अबे टोपी वाले भोपाल क्या करता है, राइट में हाथ दिखा के लेफ्ट में टर्न करता है। जिस तरफ से भी घूमना हो राइट हैंड से तो सिग्नल दिखाना चाहिए ना, लेफ्ट टर्न का रूल है सर। पुलिस वाले होते हुए भी आपको पता नहीं है क्या? आया बड़ा मुझे रूल सिखाने वाला, लेफ्ट राइट सेंटर ले लूंगा तेरी, गो। अब मैं लेफ्ट में जाऊँ या राइट में? मेरी नजरों से दूर जा। सॉरी सर। अरे दिन दहाड़े बीच सड़क पर मेरी गो राउंड खेल रहा था। क्या सर? कहा बीच सड़क पे? सर को परेशान नहीं करना चाहिए। इस रेंज में अगर तुम गाड़ी चलाकर सारी डिलीवरीज को इसी तरह डिले करते रहोगे तो तुम्हारे फाइन को भरने के लिए तुम्हें बैंक से पर्सनल लोन लेना पड़ेगा मिस्टर। आप लोन नहीं दे सकते क्या सर? तुम गुस्सा मत करो बेटा, जवान खून है, ऐसे ही बदमाशी करते हैं, यही कहोगे ना? प्राइस नहीं होता तो तुझे प्राइस टैग लगा के बेच देता। वाह वाह, लोग तेज गाड़ी चलाने की वजह से फाइन भरते हैं, लेकिन स्लो चलाने की वजह से पहली बार देखा है किसी को फाइन भरते, बेवकूफ कहीं का। छोड़ यार, क्या दिल पे ले रहा है? ओए, लोग पीते हैं ताकि अपने गम को भुला सके। यार तुम अलग हो, पीने के बाद और भी गम में डूब जाते हो। ए बहुत लेट हो गई यार, चल पीछे हट। लो पास्ट को हमेशा फास्ट फास्ट भूल जाना चाहिए और प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। थ्रो ये कम ऑन कम ऑन कम ऑन पास कम ऑन पास पास डोंट होल्ड फॉर फॉर लॉन्ग कम ऑन यार मेरा पास जस्ट पास कम ऑन जल्दी कम ऑन पास पास यस अरे बाप रे। सॉरी सर, चोट तो नहीं लगी कहीं आपको? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैडम, 2 इंच की बुलेट भी अगर मेरे शरीर से पार हो जाए तो मेरा कुछ नहीं होगा, तो इस मामूली बॉल से क्या होगा? पता है सर, वो तो साफ साफ दिखता है। तारीफ के लिए शुक्रिया। पापा मैं जाऊं? नो नो, 10 more minutes, गो गो। वो क्या है कि बेटी का मैच देखने आना तो एक बहाना था, एक्चुअली मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था। अच्छा बात क्या है? मैं आपको कैसे बताऊं, आपका बेटा बाकी लड़कों की तरह मस्ती करता है, लेकिन जब बाइक चलाने की बात आती है तो वो रूल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है।
रूल्स? जी हाँ, बिल्कुल सही समझी। आप ही ने कहा था ना कि जवान लड़का है, बाइक चलाने से डरता है, तो अगर मैं उसे डिलीवरी बॉय बना दूंगा तो उसका डर खत्म हो जाएगा। आपकी ये बात मानकर मैंने उसे जॉब दिया, लेकिन हुआ क्या? ओ नो 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 नो, आखिर एक बात बताइए, वो तेज बाइक चलाने से इतना डरता क्यों है? सॉरी सर, उसके पास के बारे में आप कुछ नहीं जानते। वो शिमला के एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। उसके कॉलेज के किसी कंसर्न से उसके पापा उससे मिलने गए थे। वापस उन्हें बस स्टॉप पर ड्रॉप करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। उसकी आंखों के सामने ही उसके पापा चल बसे। उसके पापा की मौत का वही कारण है, ऐसा उसे गिल्ट है। इस हादसे की वजह से वो बाइक बहुत बहुत डर कर चलाता है। रूल्स को बाइबल की तरह फॉलो करता है। सॉरी मैडम, पूरी बात जाने भी नो सर, प्लीज आप उससे नॉर्मली बिहेव कीजिए। हम अगर कहीं गिर गए तो हमेशा के लिए चलना छोड़ तो नहीं देते ना। उसे फिर दौड़ना होगा सर, तभी वो आगे बढ़ सकेगा। उसकी माँ होने के नाते मेरी कोशिश भी जारी है। विल सी, मेरा पुराना बेटा मेरे पास लौटकर कब आता है। बहुत मस्त है क्रिस्टी। जब भी प्यार में कोई गड़बड़ हो तो दोष हमेशा लड़कों को ही दिया जाता है। अब लड़की अगर तेरे जैसा ड्रेस पहनेगी तो लड़कों का दिल तो डगमगाएगा ही ना। चुपचाप खेलना, तू हटेगी तो खेलूंगा ना। आजा भाई। क्या रे, डिलीवरी लेट करता है, यहाँ भी लेट आता है, तू 90 की जगह 18वें महीने में बाप बनेगा। बकवास बंद कर। अच्छा तू कौन से महीने में पैदा हुआ था रे? अपना गेम छोड़कर लड़की पे ध्यान दे रहा है क्या? भाई बस में आज एक लड़की देखी। हा? क्या खूबसूरत लग रही थी। क्या यार, अपना पृथ्वी लड़कियों की बातें कर रहा है। क्रिस्टी, अपने रोबोट में भी इमोशंस आ गए हैं। तुम लोगों ने मुझे समझ के रखा है। अगर सिद्धू साहब हर बेकार जोक पे हंसना छोड़ दे और सीरियस हो जाए तो इस बात को माना जा सकता है, पर तुझे एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया है यार, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। कंडक्टर, 10 तक पॉलिसी भरनी है। हाँ जी, 7 को लाइट बिल भरनी है, 8 को बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, 9 को बीवी का पिंडदान करना है। ये सब खर्चे तुम उठा लो, फिर मैं इंश्योरेंस भर दूँ। जावाला, इंश्योरेंस भरनी है। पॉलिसी, 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 पॉलिसी। ये मेरी सीट है। Do you know what love is? हाँ? कितने दिनों से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ पता है? सच में मुझे तुम बहुत पसंद हो। कौन, मैं? हाँ, तुमसे ही कह रही हूँ। I really love you. आपको शायद गलतफहमी हो गई है। बिल्कुल नहीं, तुमसे एक लड़की खुद आकर प्यार का इजहार कर रही है और तुम हो कि हाँ? तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी, ज्यादा दिन मत लगाना। अरे रुको। बॉस, तुम्हारे पास मेडिक्लेम है क्या? मुझे मेडिक्लेम की क्या जरूरत है? उसका पीछा करते करते तुम अगर बस से कूद पड़ोगे तो हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा ना। अरे भाई, मैडम के लिए भी एक अच्छी पॉलिसी है मेरे पास। ए, वो लड़की कौन है मुझे ये भी नहीं पता। वो नहीं पता,
बिल्कुल अपनी दादी पर गया है। कितने दिनों से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ पता है? सच में मुझे तुम बहुत पसंद हो। फिर लेट हो गया। क्या कर रहे हो? अभी नहीं, ये डिलीवरी भी फ्री होने वाली है, जल्दी करो। आज सुबह से बोनी नहीं हुई है। रुको। क्या है साहब? क्यों भाई, इतनी स्पीड में आ रहे हो? चोरी किया है क्या? ब्रेक नहीं है सर। मुझे उल्लू बनाते हो, दिखने में तो एकदम नई लग रही है और ब्रेक नहीं है। नहीं नहीं लगवाई है सर। ₹100 निकालो सर। चेंज नहीं। मुझे पहले से पता था यही बोलोगे, इसलिए मैंने मंदिर से छुट्टे करा के रखे हैं। पूरे 1000 हैं। थैंक यू सर, बाय। ऑटो ऑटो ऑटो, रुको, सही टाइम पे मिल गया। सुनो तुम, उसका पीछा करना है। ऑटो यहाँ छोड़कर भाग रहा है। अरे यार, तुझे ऑटो से पीछा करना था, क्या करूँ अभी, किसी और को पकड़ता हूँ। सर सर, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना भाई, एक लड़का हाथ से पैसे लेकर भाग गया। ओ गॉड सर, मेरी गाड़ी में बैठी, हम उसका पीछा करते हैं। तुम्हारी गाड़ी में पीछा करेंगे? रहने दो, खरगोश का पीछा कछुआ नहीं करता। बैठिए तो सर। अरे भाई, ट्रैफिक डिस्टर्ब मत करो, जा यहाँ से। आज पता नहीं किसकी शक्ल देखकर उठा था। हाथ जोड़ो, जाओ भाई।